फिर इसमें अध्यादेश भी थे, हालांकि सारी उम्र वो रसूलुल्लाह के हदीस पढ़ते रहे कि आने वाला मसीह मौजूद इमामों को मिन होगा, उसको रसूलुल्लाह ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नबीउल्लाह के नाम से याद किया है। ये मौलाना तो जितने भी 74 में थे, और अब तो किस्सा और भी बढ़ गया है, इनमें से कोई भी मौलाना सनाउल्लाह साहब की तरह मसीह मौऊद का हमअसर नहीं था। मौलाना सनाउल्लाह खुद पैदल चल के गए थे बटाले से कादियान हज़रत मसीह मौऊद की इजाज़त के लिए। इस शान के इंसान थे वो। इख्तलाफ अलग चीज है, उन्होंने दयानतदारी और सराफत से इख्तलाफ किया, मुनाजरे भी किए, लेकिन आप हैरान होंगे कि मौलाना ने पाकट बुक लिखी है, सनाई पाकट बुक, उसमें लिखा है कि मुसलमानों में सबसे आखिरी फिरका जमात अहमदिया है। और मौलाना ने एक जगह लिखा है कि मिर्जा साहब के इश्क रसूलुल्लाह के साथ तो दरअसल इतना बड़ा हुआ है कि मैं कहता हूं कि ये शिर्क में दाखिल हो गया। यानी एक जमाना वो था कि अहले हदीस उलमा के चोटी के सरदार कहते थे कि मिर्जा साहब का जो आशकाना अशार हैं रसूलुल्लाह के लिए, वो तो दरअसल हम इसको मुशरिकाना समझते हैं, मगर आज की पैदावार जो अहले हदीस हैं वो ये कहते हैं कि ये आप बानिए जमात अहमदिया तो गुस्ताख थे माज़ल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी का फतावा अहले हदीस फतावा जो है मौजूद है, फतावा सनाइया यहाँ भी छपा है और हिंदुस्तान में भी उसके एडिशन छपे भी मौजूद हैं। उसमें सवाल है ये कि मेहदी पर ईमान लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कुरान कहता है कौन उमा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, और मादी से बढ़कर कौन सच्चा होगा, इसलिए मैं इमाम मेहदी की बात करना जरूरी है। फिर किसी ने कहा कि उनके पीछे नमाज हो सकती है, कहने के बात यह है कि जहां तक नमाज होने का ताल्लुक है अहमदियों के पीछे नमाज जायज है, अलबत्ता ये मैं चाहता हूं कि हमारे उलमा अहले हदीसों के पीछे नमाज पढ़े। इस तरह शरीफ इंसान थे वो। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुस्ताख रसूल हैं, उन्होंने ये कहा कि इतनी तारीफ की है कि शिर्क ही हद तक पहुंच गए। फिर इसमें आखिर में शिया हजरात भी थे, मुहिबान अहले बैत, जिनका अकीदा है कि आ हजरत के बाद 12 इमाम हुए और इमामत का मकाम नबूवत से अफजल है। हयातुल कुलूब पढ़ लें आप। और बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी ने यह कहा है वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, ये आयत कि आएगा रसूल उम्मत मोहम्मदिया में दीन को गालिब करने के लिए, इससे मुराद कायम आले मोहम्मद है। तो जिन लोगों का ये अकीदा हो कि आज़त के बाद नबी नहीं बल्कि इमाम भी आ सकते हैं जो नबूवत से अफजल है, वो इस क़रारदाद में कैसे मुहर्रिकीन में शामिल हो सकते थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह चोटी के मुजद्दिद थे अपने जमाने के, बरेलवी अहले हदीस जमात इस्लामी गर्स के शिया हजरात के अलावा पूरा आलम इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक है कि वो साहिब कशफ थे, साहिब इल्हाम थे, मुफक्किर इस्लाम थे। ये सारे मौलवी अगर उनकी जूतियों के खाक भी बन जाए तो उनके लिए बैस फख्र है। हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों हजार करोड़ों करोड़ रहमतें और बरकतें उन पर, उन्होंने मौता की शरा मुसव्वा में यह बात लिखी है कि मैंने आलम कश्फ में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत की है और हजूर ने यह फरमाया है कि याद रखो शिया खत्म नबूत के मुनकर है। मौलाना ये करारदाद तो पेश हो गई, उसके बाद जमात अहमदिया का वफद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह की क़यादत में असम्बली में पेश हुआ और अल्लाह ताला के फजल से आप भी उसमें शामिल थे। तो इस वफद में कुल कितने अफराद थे और कौन कौन, ये अगर आप सामीन के लिए बता दें। ये वफद 5 मेंबरों पर मुश्तमिल था,
सैदना व इमामना व मुर्शिदना खलीफतुल मसीह हज़रत हाफिज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहेब एम ए एक्शन इमाम जमात आलमगीर इमाम यानी आलमगीर जमात अहमदिया के इमाम, दूसरे मेरे महबूब आका सैदी साहबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहेब नवर अल्लाह मरकज़ू, जिन्हें हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के बाद अरश के खुदा ने खिलाफत का ताज पहनाया, अल्लाह ताला की हज़ारों रहमतें और बरकतें उन पर हों। तीसरे मेरे मुशफिक और मोहतरम उस्ताद जिनका मैं अदना तरीन चाकर हूँ, खालिद अहमदियत हज़रत मौलाना अबुलता साहब जालंधरी, मुबशिर बिलाद इस्लामिया प्रिंसिपल जामे अहमदिया मदीर अलफुरकान एडिशनल नाज़िर तालीम कुरान, और चौथे हज़रत महदी दौरान के बेमिसाल आशिक हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहेब कपूर थलवी के लख्त जिगर, और सिलसिला की एक बरगजीदा शख्सियत हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहेब मज़हर एडवोकेट अमीर जमात अहमदिया फैसलाबाद। आप वो आलमी शख्सियत हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पेशकर्दा नज़रिया की रोशनी में दुनिया पर साबित किया है कि चूंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी शरीयत दी जाने वाली थी और वो अरबी ज़ुबान में दी जाने वाली थी, इस वास्ते सबसे पहली ज़ुबान जो कि इल्हामन अल्लाह ताला ने अताजम को सिखाई वो सिर्फ और सिर्फ अरबी ज़ुबान थी। ये जो पिछली सदियों से मुख्तलिफ लिसानियात के माहरीन कोई किसी सामी ज़ुबान को कोई संस्कृत को कह रहा है, किसी की निगाह में इब्रानी ज़ुबान है, ये सब गलत और बेबुनियाद चीज़ें हैं। पानिया जमात अहमदिया ने फरमाया कि खुदा ने इल्हामन ज़ुबान पहली अरबी थी जो सिखाई थी, और दुनिया पर जब ये साबित हो जाएगा कि ये खुदा से की तरफ से अगली तकदीर थी कि इसी अरबी ज़ुबान में आखिरी शरीयत नाज़िल हो, तो दुनिया में इनकलाब अजीम आ जाएगा। चुनाचे अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल से, और हाँ ये मैं जिक्र कर रहा था शेख मोहम्मद अहमद साहब की तहकीकात का, उनके किताबें छपी मौजूद हैं और एक धूम मची हुई है फ़िलहाल देश की दुनिया में, यहाँ तक के अखबार पाकिस्तान टाइम्स ने उनकी पहली किताब पर अरबिक ट्रेस टू इंग्लिश इस पर तजर्बा उस पर यह नोट दिया है, बहुत तवील है, और उसको हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने उस ज़माने में शाया किया था अपने बहुत मारकतुल आरा तबसरे के साथ। पाकिस्तान टाइम्स ने उस पर लिखा कि आज तक हातिबुल लैल की तरह दुनिया इस इल्म लिसानियात के मामले में बहकी हुई फिर रही है, इस मर्द मुजाहिद ने साबित कर दिया है साइंसी सदाकतों की तरह और दिन चढ़ा दिया है कि चूंकि मोहम्मद रसूलल्लाह को अरबी में आखिरी शरीयत दी जाने वाली थी, इसलिए हकीकत यह है कि सबसे पहली इलामी ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ जनाब इलाही की तरफ से जो सिखाई गई वो अरबी ज़ुबान थी। एक अरब ने हमारे अहमदी मुजाहिद बिलाद अरबिया से ये बात की, क्योंकि अरब भी अब तक इब्रानी ज़ुबान को समझते रहे हैं। अब तो यहाँ मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने जो मुंजिद का तर्जुमा किया उसके दिबाचे में यह लिखा है कि यह साबित शुदा हकीकत है कि उम्मुल अल्तना अरबी ज़ुबान है, ये इनकलाब अजीम अब खुदा की से हुआ है, वरना ये तो अब किसी और संस्कृत तक को मानने वाले थे ये लोग। तो एक अरबी फाजिल और अदीब ने यहां तक कहा है कि अहमदी मुबलिक से कि बानिय जमात अहमदिया के नबूत साबित करने के लिए इतना ही काफी है अगर ये दुनिया पर साबित कर दिया जाए कि अरबी जुबान ही दरअसल सबसे पहली इलामी जुबान है, इस शान की चीज़ थी। तो ये मार्कतुल आरा रिसर्च स्कॉलर जो कि मशहूर आलम है हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहेब मज़र अल्लाह ताला के हज़ारों रहमतें उन पर हों, वो भी शामिल थे। बहर कैफ आज मैं जब आया हूँ तो आपने देखा कि मैं ज़ारो कतार रो रहा था, वो ज़माना मेरे सामने आ गया खलीफतुल मसीह सालिस किस तरह आग और खून के इन तूफ़ानों में खुदा के पहलवान और शेर बनकर वहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप ही का जिगर था खलीफे वक्त के सारी जमात की क़यादत भी कर रहे हैं,
इस माहौल में भी हैं और इसके बाद फिर असम्बली के सामने भी जवाब दे हैं और उसी वक्त जवाब देने के लिए इरशाद किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं और फिर खुदा की तरफ झुकते हैं, सारी रात दुआओं में गुजारते हैं, रिसर्च में गुजारते हैं। तो ये मुझे ये ख्याल आया, अब भी वो सारा नक्शा मेरे सामने है कि खुदा का शेर किस तरह इन पहाड़ों को अपने सर के ऊपर लिए हुए चला जा रहा है। जिस तरह कुरान ने कहा है कि हमने, ये सूरह लुकमान में लिखा है कि हमने एक अजीम शान अमानत जमीन और आसमान और पहाड़ों पर नाजिल की, मगर कोई भी उस अमानत को संभालने के लिए तैयार ना हुआ, मगर इंसान को खुदा ने वो अमानत दी। तो मैं समझता हूँ खिलाफत भी ये अमानत है, पहाड़ पर भी अगर वह अमानत डाली जाती तो वह पास पास हो जाता। ये अजीम शान मौजा था जो कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के ज़रिए से उस वक्त दुनिया ने देखा। तमाम ये पहाड़ों पहाड़ उस वक्त गिराए जा रहे थे उस कल्ब नाजुक पर, हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के दिल के ऊपर, उनको चीरते हुए खुदा के शेर वहाँ पर पहुँचा है। और हक की आवाज़, जैसे कि आपने बताया, दुनिया की तारीख में वह मिसाल है कि खलीफा वक्त ने हक की आवाज़ असम्बली में बुलंद की। खुदा रहमत करत आशकाने पाक देने थे। और ये फरमाइए कि ये जो कार्रवाई असम्बली की हुई, ये इजलासात कहाँ हुआ करते थे? ये इजलास मौजूदा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पुष्को इमारत है उसमें थे, जो कंडीशन एयर कंडीशन थे और इसमें बहुत ही नफीस बरकी सीढ़ियाँ भी मौजूद थी। पहली दफ़ा मैंने बरकी सीढ़ियाँ यहीं देखी। और हजूर के क़यादत में जो वफ़ था वो कमेटी रूम नंबर 2 में पहले पहुंचता था और फिर वहाँ से हमें चेयरमैन साहब की तरफ से इतला आती कि अब आप आ जाएं। कार्रवाई जो हुई वो जैसे कि मैंने बताया कैमरा थी। इन्हें अजीब बात है कि ख़त्म नबूत का तहफ़ हो रहा है और इन कैमरा हो रहा है। पहले दिन से यह हैरत आती थी कि ख़त्म नबूत के तहफ़ के लिए इस तरह छुपाने की क्या बात है, उसको खुला होना चाहिए, कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। मुझे उस वक्त ये जहन में आई ये बात, वो एक जिगरी दोस्त था, अब सब किसी आपके भी बेशुमार जिगरी दोस्त होंगे, तो वो शख्स बड़े अहम काम में मसरूफ था दफ्तर में, कहने लगे कि ज़रा एक बड़ा प्राइवेट सा मामला है, बाहर गए। गर्मी का मौसम था, हाँ, जिस वक्त खलील मसीह सारे सामान पर तस्वीर ले गए, शदीद गर्मी के अयाम थे, जो जुलाई के अयाम थे, 22 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक आप तस्वीर ले जाते रहे, शदीद गर्मी के अयाम थे। और इस वजह से साथ एक थर्मोस की बोतल भी होती थी, इसमें ये सबस चाय कप यानी पत्ते की वो चाय होती थी, पानी था उसमें और सबस चाय थी, दरअसल उसका पानी वहाँ पर रखा था और कोई चीज़ नहीं होती थी। ये जो मुख्तलिफ किताबें लिखने वाले हैं असम्बली के, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया है, तो मैं इस वजह से बताता हूँ कि ये सूरत थी। उस वक्त जो चीज़ साथ जाती थी उनमें हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस, तो एक तो कुरान मजीद जो उनको तोहफा मिला था मिस्र की जमात की तरफ से ऑक्सफोर्ड जाते हुए पहली दफ़ा 1934 में, दूसरा कुरान मजीद का इंडेक्स, तीसरा दुरस्मीन अरबी, दुरस्मीन फारसी, दुरस्मीन उर्दू, और साथ ये सबस चाय वाला थर्मोस, ये सारी चीज़ें हज़रत खलीफतुल मसीह राबे सैयदी ताहिर के पास होती थी। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब के पास उनकी किताब तफ़हीमात रब्बानिया थी, हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहब के पास ये तहकीकती अदालत की रिपोर्ट, और बाकी चूँकि ज़िम्मेदारी हवालों के निकालने की और